राजपूत छत्राणियों का गणगौर महोत्सव रंगबाड़ी रोड के निजी मैरिज गार्डन में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में छत्राणियों ने राजपूती पोशाक में 16 श्रृंगार करके आई। महोत्सव के तहत आयोजित हुई प्रतियोगिता में छत्राणियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और राजस्थानी गीतों पर रैंप वॉक किया। प्रतियोगिता में चेतना शक्तावत गणगौर क्वीन बनी, तो वहीं छत्राणी कोटा का ताज हिमांशी कनवरहाड़ा के नाम रहा। इस दौरान गणगौर से जुड़े प्रश्नोत्तरी भी आयोजित की गई और विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि लाड़पुरा विधायक कल्पना देवी, बूंदी की पूर्व राज परिवार के सदस्य रोहिणी हाड़ा, बूंदी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर गुलाब कनवर और निर्णायक पूर्व मिस राजस्थान करिश्मा हाड़ा और रिमझिम हाड़ा रही। संबोधन में लाड़पुरा विधायक कल्पना देवी ने कहा कि समाज में बेटियों की शिक्षा पर ध्यान दें और बेटों को भी अच्छे संस्कार दें। बूंदी मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर गुलाब कनवर ने छत्राणियों को जीवन को सफल बनाने के लिए 3 महत्वपूर्ण बिंदु बताए। क्योंकि नॉर्मली इतने सुंदर गैदरिंग में मेरे नहीं जाना पड़ता है, आप सभी को खमागनी। मैं यहाँ जब आप सबको देख रही हूँ तो मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ मुझे लॉयर दिख रही है सामने बैठी हुई, तो कोई डॉक्टर जो मेडिकल कॉलेज को हेड कर रही है बूंदी में डॉक्टर गुलाब बैठी हैं, कोई आर्किटेक्ट दिख रहा है मुझे जिन लोगों को मैं पहचानती हूँ, तो बाकी जो यहाँ है मेरे को लगता नहीं है कि हमारे यहाँ में इंटेलिजेंस या अपॉर्चुनिटी की कोई कमी रही है। बूंदी के पूर्व राज परिवार के सदस्य रोहिणी हाणा ने भी अपनी बात कही। कार्यक्रम के आयोजक तरुणा सोलंकी ने बताया है कि समाज में एकता के लिए आगे भी इस तरह के आयोजन किए जाएंगे। मुझे कोटा के सितारों से ज्यादा परिचय नहीं है, पर आज सबसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। इस तरह के प्रोग्राम और आयोजन भाईसा ने करा वो बहुत ही सराहनीय रहा। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बड़े मान मनवार से मुझे यहाँ बुलाया गया, तो इस बहाने सबसे मिलना भी हुआ। महारानी साहिबा ने बहुत कुछ समझदारी का विषय फरमा दिया, अब मेरे कहने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहा। तो थोड़े बहुत पॉइंट्स जो मेरे को अच्छे लगे कि मैं इस मुकाम पे कैसे पहुँची, उसमें मेरे को सिर्फ समाज ने साथ दिया हर पल, जिससे मैं इस पोस्ट जिसको कहते हैं कि प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज बूंदी में पहुंची हूं। तो आप लोग निडर होके जो भी समाज में बैठे हुए हैं उनके पास जाइए, उनसे मांगिए कि हमें ये काम करना है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, आप बार बार मिलिए, वो आपको हरदम हेल्प करने वाले हैं और करते रहे हैं। तीनों चीज के रूप हमारे अंदर, हम माँ हैं, लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा, तीनों चीज हमारे अंदर है। लक्ष्मी मीन्स हमें वैभव चाहिए, पैसा चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। दुर्गा मतलब हम शक्तिशाली हैं। सरस्वती मीन्स हमें एजुकेशन की हमारे अंदर पावर है, पढ़ने की ताकत है, लेकिन हम लड़कियों को, छत्राणियों की लड़कियों को पढ़ने नहीं भेजते, बस बहुत हो गई, बारहवीं हो गई, अब तो लड़कों देखना तो जल्दी सी शादी करता, अच्छो ठिकानों दिख जाओ तो भेज दो। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, पढ़ने भी दीजिए उनको। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का टाइम आ गया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है कंट्री में, वर्ल्ड में। आप देखिए, अगर आपके घर में एक बच्चा है और मोबाइल छीन के तो देखिए उसका, आप टीवी बंद करके तो देखिए उसका, वो कैसे कैसे आपके साथ बिहेव करेगा, ना खाना खाएगा, नाराज हो जाएगा, दूसरे कमरे में बैठ जाएगा, क्योंकि वो उससे उसको लगाव हो गया है, उस चीज से आपसे लगाव नहीं है। सो प्यार बांटिए, प्यार करिए हर चीज से, प्यार करेंगे सब चीज आपके साथ जुड़ती जाएगी। मैं तरुणा सोलंकी, बहुत अच्छा शानदार कार्यक्रम रहा, करीबन 200 छत्राणियों ने इसमें भाग लिया। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कोटा सिटी में आज गणगौर का पहली बार ये पर्व मनाया जा रहा है राजपूत छत्राणियों द्वारा, और मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं 2025 सीज़न 2 गणगौर का बहुत लार्ज स्केल पर करने का प्रयास करूँगी।